खबर रीवा से। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल को देखने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे, जिनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय प्रताप सिंह के साथ भारी समर्थक मौजूद रहे। समदड़िया मल्टीप्लेक्स में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं फिल्म बनाने वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर फिल्म नहीं बनती तो कश्मीर की हकीकत सामने नहीं आती। इस फिल्म को देखकर अब ये आम जनता समझ गई है कि 370 जैसी धाराओं का क्यों कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम किस तरह से कांग्रेस पार्टी को निशाना साधते हुए जवाब दिए हैं। तो मैं फिल्म मेकर्स को, कलाकारों को, सबको इस बात के लिए खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो वास्तविक पिक्चर को उन्होंने दिखाया है, जो अपन कहते हैं ना कि अनकही कहानियों को, जो शायद देश के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। और इसीलिए कई बार जो निर्णय कश्मीर के पक्ष में देश के प्रति उनको अखंडित रखने के लिए किए जाते थे, उसका क्रिटिसिज्म होता था। इस फिल्म से इतना सबको एहसास हो गया होगा कि 370 का विरोध करने वाले, 3500 का विरोध करने वाले क्यों कर रहे थे विरोध। उसका सिर्फ कारण यही था कि ये नहीं दिखाया जाए, और ये सामने आया है। मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ, कम से कम देश की जनता देख सके उस जम्मू कश्मीर के भीतर क्या हो रहा था। और ऐसे नारा थोड़ी लगाते थे वो, जम्मू कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान वो हमारा कश्मीर है। और उस कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने ला करके भारत का अखंड हिस्सा बनाया, इसलिए उनको भी कोर्ट से धन्यवाद करते हैं। फिल्म रिलीज के दौरान राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू की गई, वहाँ कांग्रेस की सरकार क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस की मति मारी गई है। कांग्रेस हमेशा एक पक्ष के तुष्टिकरण के आधार पर वोट लेने का मन बना करके वो हमेशा काम करते हैं। किसको अच्छा कहा? राम मंदिर बन रहा था तो क्या उन्हें समर्थन किया? 370 हट रही थी क्या समर्थन किया? 35 हट रही थी क्या समर्थन किया? हर जगह उनको केवल एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि किस तरह से हम इनका विरोध कर दें तो वो उस पक्ष का एक उनका वोट मिल जाए, और उसका परिणाम उनको देखने को मिला। इससे कुछ होना नहीं, उत्तर प्रदेश में भी साफ दिखाई पड़ा है। केवल 2% वोट बचा है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के भीतर, इसके बाद भी उनकी समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि ये थोक वोट है, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएँ, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो समझते हैं कि हिंदुस्तान का हमको एक पक्ष का वोट मिल जाएगा। इसलिए बार बार कभी पाकिस्तान में स्ट्राइक होगी सर्जिकल, तो उसका हिसाब मांगेंगे, उसका सबूत मांगेंगे, गवाह मांगेंगे, फोटो मांगेंगे, फिल्म में बना करके देने को मांग करेंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि उनकी मति मारी गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ऋषि शर्मा फिल्म उन्होंने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा ने फिल्म नहीं बनाई, फिल्म मेकर्स ने बनाई, भाजपा की फिल्म थोड़ी है। हम तो इसलिए भाजपा की ना भी ये फिल्म है, न भाजपा के द्वारा ये रचित कोई कहानी है। जो वास्तविकता उसको फिल्म दिखाने वालों ने दिखाया है ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए उनको लगता है कि जो हमने नहीं देखा था हमको देखने को मिला, सत्य देखने को मिला। कांग्रेस का कहना है कि गोधरा पर फिल्म बनाई जाए। नहीं, गोधरा के साथ साथ बनाओ ना, ट्रेन में जिसने जलाया उसको भी दिखाओ ना, कौन रोकता है उसको? कोई रोकने को तैयार नहीं है। ट्रेन के भीतर जी 56 है उनको जलाया गया था, 7 संतों को हमारे, उनके उन लोगों को जो वहाँ जाए, दिखाओ ना उसको, किसी की हिम्मत होगी? दिखा के बता मैं ना, वो दिखावे ना, दोनों दिखा मैं। मूवी में ये दिखाया गया कि मुख्य पात्र भ्रमित है, युवा आजकल भ्रमित होता जा रहा है बिना इतिहास को जाने, इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, वही तो है ना, आज आज आप देखोगे कभी कभी तरस आता है, पढ़ाया क्या जाता है। आपके ही समाचार पत्रों की बात मैं करता हूँ या न्यूज़ की बात करता हूँ, एक पॉलिटिकल साइंस के लड़के से पूछा कि भगत सिंह को जानते हो तो बोला नहीं जानते हैं। किसको जानते हो? बोले अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ये पढ़ाया जाता है हमारे देश के भीतर, हम भगत सिंह को नहीं जानेंगे, हम
चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानेंगे, वफाकुल्ला को नहीं जानेंगे, हम वो कुर्बानी देने वालों को नहीं जानेंगे, इतिहास को हम नहीं जानेंगे, तो ना हमारा भविष्य ठीक रहेगा न वर्तमान ठीक रहेगा। इसलिए हमको इतिहास को जानना जरूरी है, इसलिए कश्मीर के इतिहास को हमको जानना जरूरी है।